हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा एसएससी जीडी की परीक्षा जो चल रही है, तो उसके पैटर्न को देखते हुए ये बनाया है, तो ये एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एसएससी जीडी के जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न्स पे आपको क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, तो रिक्त स्थान को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इस तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि आप एग्जाम से पहले खुद को प्रिपेयर्ड कर सकें। और ऐसा वीडियो हमारा हर दिन आता है, हर दिन आपको मिल रहा है। इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा 50 क्वेश्चन के भी अगर आप सेट देखना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करें, वीडियोस के नीचे आपको 50 क्वेश्चन के भी वीडियोस मिलेंगे, 25 क्वेश्चन के भी वीडियोस मिलेंगे। आप उन्हें देखें, आपको निश्चय ही फायदा होगा उससे। तो चलिए, ज्यादा समय ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और आपने झारखंड एसएससी की आए हुए दो एग्जाम्स को, दो फॉर्म्स को फिलअप किया है और आपका एग्जाम है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। हमारा चैनल, यानी कि जो आपका भी चैनल है, आपको शुरू कर रहा है झारखंड एसएससी की प्रिपरेशन की तैयारी। तो उसका पहला वीडियो आज अपलोड हो चुका है, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। तो और भी बहुत सारे आपको वीडियोज उसके मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, झारखंड की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। झारखंड से रिलेटेड झारखंड सामान्य ज्ञान का जीके अपलोड हो चुका है। इसके अलावा उसके जितने भी टॉपिक हैं, उस पर सिलेबस एक हमने बना के अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखें और उस हिसाब से समझ जाएंगे कि क्या क्या पढ़ाई हम आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। आपके झारखंड के एग्जाम में भी हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुर, पुत्र, शत्रु या फिर गणेश? क्या होगा सही आंसर इसका? आप फटाफट कमेंट करके आंसर, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। यहां पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश। ऑप्शन नंबर डी, गणेश। अगर हम बात करें यहां पे सूर्य, सूर की, तो सूर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है देवता। इसका अर्थ क्या होता है? देवता, देव, देवता हम जो कहते हैं वही। पुत्र आपको पता ही होगा, और शत्रु जान ही रहे हैं, इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शार्दुल, अहि, हिरण या फिर कुरंग? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। क्या होगा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शार्दुल, अहि, हिरण और कुरंग? शार्दुल, अहि, हिरण और कुरंग, क्या होगा पर्यायवाची शब्द, ये जल्दी से आप बताएं। तो यहां पर दोस्तों, मृगेंद्र का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका, क्योंकि अगर आपको अर्थ पता है तो फिर पर्यायवाची शब्द बताना भी आसान हो जाएगा। मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर, मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर। अब शेर यहां पे ऑप्शन में आपको किसका आंसर दिख रहा है, तो मैं नीचे से शुरू करता हूं। कुरंग जो है, कुरंग का अर्थ हिरण होता है, हिरण, जो कि यहां पे ऑप्शन में आपको दे रखा है। अही का अर्थ होता है सर्प या फिर सांप, और एक बच गया शार्दुल, तो इसका अर्थ होता है शेर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल। चलो देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन, कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों, ये वीडियो जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, हम अपने वेबसाइट्स पे भी आपको उपलब्ध करवाते हैं, और वेबसाइट पे देखने पे आपको यही फायदा होगा कि जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से बताया कि शार्दुल, अही, हिरण, तो इन सब के अर्थ भी वहाँ पे बता दिए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो रहते ही हैं, साथ में ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। तो आप वहाँ पे जरूर एक बार विजिट करें, आपको निश्चय ही थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करते ही आप इसी पोस्ट को पाएंगे, आपको निश्चय ही उससे फायदा होगा। तो आगे हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्प, वन, विहिप या इनमें से कोई नहीं? पुष्प, वन, विहिप या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा कानन का पर्यायवाची शब्द? जल्दी जल्दी कमेंट करें।
कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अगर आपको हिंदी के किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको निश्चय ही उस पर हेल्प किया जाएगा। तो कानन का अर्थ होता है जंगल और उसका होगा वन। यहाँ पर दोस्तों पुष्प आप सब समझते ही हैं, पुष्प यहाँ पे विहिप का अर्थ क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे विहिप का अर्थ फिलहाल याद नहीं आ रहा है और मुझे अभी पता भी नहीं है। तो अगर आपको विहिप का अर्थ पता है तो इसका अर्थ आप कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं क्या होगा विहिप का अर्थ। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वर्षा, नीरद, बादल और विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जल्दी से बताएं, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दामिनी का अर्थ होता है, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, और बिजली यहां पे ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर डी विद्युत। इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे दामिनी, चंचला, विद्युत, और भी बहुत सारे होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो अगर नीरद जो होता है, नीरद को अगर हम तोड़ते हैं तो नीर जोर द होगा, तो यानी कि नीर देने वाला, यानी कि जल देने वाला, जल देने वाला कौन है, बादल। तो इन दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, वर्षा को आपको पता ही है। चलिए देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पंख, आतंक, तिमिर और घन। पंख, आतंक, तिमिर और घन, अंधकार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा, अंधकार का पर्यायवाची शब्द। आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द होगा तिमिर, अंधकार का पर्यायवाची शब्द होगा तिमिर। चलिए आगे देखते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है, श्री राधा, विनाश, इतिश्री और इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्री राधा, श्री श्री नहीं, विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं, श्री राधा, विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं, में से श्री गणेश का क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको श्री गणेश का अर्थ बता देता हूँ, श्री गणेश का अर्थ होता है आरंभ करना, आरंभ करना, कुछ भी शुरू करना यानी कि श्री गणेश करना, कुछ भी शुरू करना यानी कि श्री गणेश करना, और इसी का ऑपोजिट होता है समाप्त करना यानी कि इति श्री करना, इति श्री करना। अरे देखते हैं आगे अगला प्रश्न, मंद का विलोम शब्द क्या होगा, मंद का विलोम शब्द क्या होता है, सुस्त, द्रुत, शीघ्र या त्वरित, सुस्त, द्रुत, शीघ्र या त्वरित, क्या होगा मंद का विलोम शब्द, मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं मंद का विलोम शब्द क्या होता है। ए बी सी डी में जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपका आंसर है, फटाक से कमेंट करें। तो देखिए मंद का हो जाएगा सही आंसर विलोम द्रुत। यहां पे अगर हम त्वरित की बात करें तो ये भी मंद का विलोम शब्द दावा करता है, ये भी विलोम शब्द है, लेकिन अगर द्रुत आपके सामने है तो आप पहले द्रुत टिक करेंगे उसके बाद त्वरित पे आएंगे, क्योंकि ये पेयर्स में चलते हैं। मंद का जो पेयरिंग विलोम है वो द्रुत ही होता है। मैं ये बातें इसीलिए आपको समझा देता हूं क्योंकि कहीं कहीं आप अगर बुक पढ़ेंगे तो त्वरित के अगर आपको त्वरित का विलोम पूछा जाए तो वहां पे मंद भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन मंद का विलोम त्वरित नहीं होके द्रुत होता है, और त्वरित भी होता है लेकिन जो पेयर होता है, जो कपलिंग वर्ड होता है, जो पेयरिंग वर्ड होता है, वह उसकी अगर हम बात करेंगे तो मंद का जो पेयरिंग विलोम होता है वो द्रुत होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, समय अगर लग रहा है तो समझें समय लगा के, क्योंकि एग्जाम में अगर एक नंबर गवा दें और यहाँ पे अगर एक मिनट आप खपा दें, कुछ सीख लें और उसके बदले एग्जाम में एक मार्क्स आपको मिल जाए तो वो काफी अच्छा होता है। फिलहाल आप सन्यासी का विलोम शब्द बताएं क्या होगा, राजा, भोगी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, राजा, भोगी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, सन्यासी का विलोम क्या होता है, राजा, भोगी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। तो सन्यासी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप ये भी समझे, सन्यासी का अर्थ यानी कि जिसने सन्यास ले लिया हो, तो सन्यास किस चीज से ले लिया हो, सन्यास ले लिया हो जो मोह माया होता है उससे, और अपने घर परिवार से यानी कि अपने गृहस्थ जीवन से, तो इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। हम और आप या फिर आपके पिताजी, माताजी, आपके चाचा, दादा जो भी हैं वो सभी गृहस्थ होते हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, और जो साधु होते हैं, जो जंगलों में फकीर हो जाते हैं, वो सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। तो जीवन में दो प्रकार की होती है, सन्यासी जीवन और गृहस्थ जीवन।
ये आपको समझना है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम। परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, स्थूल, दृष्टवा और परोक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का सही विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष का सही विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रत्यक्ष ऑप्शन में ना दिखे तो आप अपरोक्ष को भी टिक कर सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। लेकिन अगर प्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं है तभी आप इसे टिक करेंगे। वैसे इसका जो परफेक्ट पेयर है, परफेक्ट इसका कपलिंग वर्ड है, पेयरिंग वर्ड है, वो है प्रत्यक्ष। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम क्या होता है? हास, साप, गौन, वाचाल। हास, साप, गौन, वाचाल, क्या हो जाएगा मूक का विलोम शब्द? जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। लाइक्स की संख्या इतनी कम होती है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रहते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हो। लाइक की संख्या बढ़ा दिया करें। लाइक्स जितना आप ज़्यादा करेंगे हमें लगेगा कि हमारा वीडियो आपको पहुंच रहा है, आप इस वीडियो को उतना ही पसंद कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम इसको बनाने में लगाते हैं आपको बिल्कुल ही पसंद आ रहा है। और अगर और भी ज़्यादा पसंद आता है, आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो आप इसे शेयर भी कर दिया करें। शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिलेगा और वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम मुख के विलोम शब्द की बात करें तो इसका होता है वाचाल। मुख का विलोम वाचाल होता है। मुख का विलोम वाचाल होता है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया, क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। उत्सुकता, तत्परता, पर्यटन, दृढ़ता, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोहन ने डैश से खाली स्थान से देशभक्ति का संकल्प लिया। किससे लिया? उत्सुकता से लिया, तत्परता से लिया, पर्यटन से लिया या दृढ़ता से लिया, क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे सही आंसर? जल्दी से बताएं क्या होगा सही आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एग्जाम में 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो मोहन ने दृढ़ता से संकल्प लिया, दृढ़ता से संकल्प लिया, देशभक्ति के लिए दृढ़ता से संकल्प लिया। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया। टप हो गया, तप्त हो गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया। टप हो गया, तप्त हो गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया, क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिए जा रहे हैं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृप्त। ऑप्शन नंबर सी, तृप्त। नेक्स्ट देखेंगे, रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा। रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा, क्या रहेगा? कृपा, कृतघ्न, उत्कृत और कर्मठ, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? कृपा, कृतज्ञ, उपकृत और कर्मठ। रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा, क्या रहेगा? जल्दी से बताएं, रवि सदा मदन के प्रति क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा। रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, क्या रहेगा? कृतज्ञ रहेगा। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला, यानी कि रवि जो है वो सदा मदन का उपकार मानेगा, उपकार का उपकार मानता रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृतज्ञ का ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि उपकार ना मानने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना डैश जो व्यक्तियों के साक्ष और विस्तृत प्रश्नावली का प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना डैश जो व्यक्तियों के साक्ष और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में? प्रतिवेदन, अंकेक्षण, परिवाद और आकलन, यहाँ पे क्या होगा आप बताएंगे। यहाँ मैं आपको तीनों के ही, चारों ही जो है यहाँ पे सबके अर्थ भी आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। अगर आपको ये वर्ड टफ लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो यहां पर अगर हम देखें तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर ए प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का अर्थ होता है जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण। प्रतिवेदन का अर्थ होता है जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण। वहीं अगर हम बात करें अंकेक्षण की, तो अंकेक्षण जो बही खातों की जांच करी जाती है, जो अकाउंट्स की चेकिंग की जाती है, उसे हम अंकेक्षण कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं अंग्रेजी में। परिवाद की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो इसका अर्थ होता है मिथ्या दोषारोपण, झूठ मूठ का किसी के ऊपर दोष मढ़ना। और लास्ट में जो आकलन दिया हुआ, इसका मतलब है पूर्वानुमान करना बिना गणना किए हुए। जैसे हम कभी कभी आकलन करते हैं कि इस थैले में 5 गोलियां होंगी, 7 गोलियां होंगी, या फिर अप्रोक्स कोई आपसे एकाएक पूछ ले कि तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे, तो आप आकलन करके ही बताते हैं कि मेरे पास 50 रुपए होंगे या फिर 100 रुपए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कैसी डैश है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। कैसी डैश है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। ऑप्शन है आपके सामने, दुविधा, विपत्ति, वेदना और विडंबना। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? कैसी डैश है ये कि सभी कोई वर्तमान से असंतुष्ट हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएं। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा? विडंबना। विडंबना आसान प्रश्न था ये, कैसी विडंबना है। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? हर काम को देरी से करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, दूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। क्या होगा यहाँ पे? ये दो ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, जो आप करें, ए टिक करना है, ए करें, बी करना है, बी करें, सी करना है, सी करें, या फिर डी करना है, तो डी भी आप कर सकते हैं। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसे पार पाना कठिन हो, जिसे पार पाना कठिन हो, निगम, अगम, दुर्गम, अगम्य। निगम, अगम, दुर्गम, अगम्य, क्या हो जाएगा? जिसे पार पाना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसे पार पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? निगम, अगम, दुर्गम, अगम्य। तो जिसे पार पाना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्गम। दुर्गम यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ, पहले भी समझाया है कि किसी भी वर्ड के आगे जो उपसर्ग लगता है, तो अगर अ लगे और अगर दूर लगे, ये दो चीजें लगती हैं। अगर अ लग जाएगा तो वो काम असंभव है करना। जैसे अगर अगम है तो उसे पार किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई अजेय है तो उसे जीता ही नहीं जा सकता, उसे हराना असंभव है। लेकिन अगर कोई दुर्गम है, यानी कि वो कठिन है, दुर् का अर्थ होता है कठिन, अगर कोई दुर्जय है तो उसे जीतना कठिन है, अगर कोई दुर्लभ है तो उसे प्राप्त करना कठिन, लेकिन अगर अलभ है वो, अलभ, तो उसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। आप इन दोनों का अंतर समझें, आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी। और रहे तो वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है वो काम, अगर अ लग जाए किसी चीज के आगे में, और अगर दुर लगे तो वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे दुर लगा हुआ है तो कठिनाई को व्यक्त करता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, जिसे कठिनाई से जीता सके। देखिए फिर से आ गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आसान सा मैंने अभी आपको समझाया था, और यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो इसे ये होता है दुर्जय। जिसे कठिनाई से जीता सके दुर्जय, और जिसे जीता ही ना जा सके अजेय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो, एक शब्द उसके लिए क्या होगा? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। क्या हो जाएगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो, एक शब्द उसके लिए क्या होगा? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल और वाक्पटु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यर्थ की ही बातें करता है, ये आप समझ के रखें। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दावानल, समुद्राग्नि, जलाग्नि, बड़वाग्नि। क्या हो जाएगा यहाँ पे? समुद्र में लगने वाली आग, दावानल, समुद्राग्नि, जलाग्नि, बड़वाग्नि। जल्दी जल्दी बताएं, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या
क्या होगा? दावानल, समुद्राग्नि, जलाग्नि, बड़वाग्नि। दावानल, समुद्राग्नि, जलाग्नि, बड़वाग्नि, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि, समुद्राग्नि और जलाग्नि कोई चीज नहीं होता है। दावानल जो होता है ये जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहाना करके अपनी गलती छुपाना, बिना इच्छा के नहाना, फिसल जाना, या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। बहाना करके अपनी गलती छुपाना, बिना इच्छा के नहाना, फिसल जाना, या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहाना करके अपनी गलती छुपाना। बहाना करके अपनी गलती छुपाना, जैसे कि अगर आप फिसल पड़े तो ये आपकी गलती थी कि आप फिसल पड़े, तो आप उसे छुपा कर हर हर गंगे करने लगे। यानी कि अगर आप पानी में फिसल पड़े, यहाँ पे फिसलने का अर्थ है पानी में फिसलने से, तो फिसल पड़े तो आप हर हर गंगे कह के नहाने का बहाना करने लगे। और वहीं पे विपत्ति पड़ने पर ईश्वर को स्मरण करना, ये नहीं होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये गलत है। आप चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये बताएं। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पढ़ना। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी अपना ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, या दूसरों की वस्तु को कुछ समझना, कुछ ना समझना, दूसरों की वस्तु को कुछ ना समझना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी में सही आंसर आपको क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी ही बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? पत्थर की लकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, या मिट जाना। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है अमिट होना, यानी कि जो मिट ना सके। पत्थर की लकीर मिटती नहीं है। हम कहते हैं पत्थर टूट सकती है लेकिन उसकी लकीर नहीं मिट सकती। आगे देखते हैं कान का कच्चा होना, हमारा ये आखिरी प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एक बार आप जरूर कर दें। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना, या कान का कमजोर होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की हर सुनी बात पर विश्वास कर लेना, कुछ भी सुनना और उस पे बिना मंथन किए उस पे विश्वास कर लेना, उसे मान लेना। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ नीचे आपको कुछ लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक में विजिट करें। अगर आपको ऊपर आई बटन भी आप प्रेस करके आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, वो भी आप देखें, आपके लिए बहुत ही निश्चय ही फायदेमंद होगा। SSC GD के लिए हमने बहुत सारी वीडियोज डाली हुई हैं। अगर आपका एग्जाम है SSC GD का तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में जहां भी हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।